हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अ फ्लैग स्टाफ 17.5 मीटर हाई, कास्ट शेडो लेंथ ऑफ 40.25 मीटर, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 28.75 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी ए पार 10 मीटर, बी पार 12.5 मीटर, सी पार 17.5 मीटर, डी पार 21.25 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, आप देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फ्लैग स्टाफ 17.5 मीटर हाई, अगर यहाँ पर 17.5 मीटर है तो इसकी शेडो कास्ट ऑफ शेडो लेंथ यहाँ से कितनी बन रही है, 40.25 मीटर। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 28.75 मीटर। तो देखो अगर यहाँ पर शेडो लेंथ कितनी, अगर 1 मीटर हो जाती है तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 17.5 अपॉन 40.25 किसके लिए हो जाएगा, ये 1 मीटर के लिए, ये कितना बनेगा, इतने मीटर। देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देन हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, जब 1 मीटर शेडो लेंथ होती है तो उसकी हाइट कितनी होती है, 17.5 अपॉन 40.25, और जब 28.75 हो जाएगा, देन फॉर 28.75 मीटर यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 17.5 अपॉन 40.25 इंटू 28.75 मीटर। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 503.125 अपॉन 40.25 मीटर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 12.5 मीटर। तो यहाँ से हमें इसकी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 28.7 मीटर एंड सिमिलर कंडीशन कितनी होगी, 12.5 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।